हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे विंकीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक आपका फूड सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसके साथ साथ ये एनिमल का फूड भी मैन्युफैक्चर करता है और ब्रॉयलर चिकन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर आप लोग में कोई जिम करता होगा, वर्कआउट करता होगा प्रोफेशनली, तो उन लोगों को पता होगा कि विंकीज बोल के एक बहुत अच्छा कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो आगे ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधे आ जाऊंगा, इसका फंडामेंटल में फंडामेंटल देखूंगा, उसके बाद इसका टेक्निकल देखूंगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लूंगा। तो देखिए, ये शेयर फ्राइडे को आपका क्लोज हुआ है आपका 3060 पे, और उसका उस दिन हाई गया था 3090, लो गया था 2935 में, और 52 इसका हाई है 3955, और आपका 52 लो है आपका 1271। इसका मार्केट कैपिटल है 4310। आपका पी रेशियो बहुत ही अच्छा, देखिए 15.63 है। डिविडेंड भी देता है 55.55%। इसके हाथ में अभी कैश है 205 करोड़, और इसकी कंपनी के ऊपर डेप्थ है 181 करोड़। मतलब अगर जितना डेट थे कंपनी अगर चाहे तो उसके बाद इतना लिक्विड कैश है कंपनी अभी ये डेट शोध कर सकता है। ठीक है, अभी ये देखिए सेल्स ग्रोथ माइनस में है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के वजह से सब बिजनेस बंद था। अभी इस टाइम में कौन फूड सप्लीमेंट खरीदेगा। ठीक है, आरओई देखिए 27.59 जो बहुत ही अच्छा है, आरओसी देखिए 32.10 बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 1085% है, कितना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। देखिए इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.16% है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगभग मान लीजिए डेप्ट फ्री है, क्योंकि इसके पास इतना कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे तो इसका जो डेप्ट है वो कंप्लीट कर सकता है, दे सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए इसका जो कैश फ्लो रेशियो है वो देखिए 1.25 है, तो 1.25 बहुत ही अच्छा रेशियो है, अगर एक होता है तो मिनिमम हम लोग अच्छा देखते हैं। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए इसमें 56.11% आपका प्रोमोटर्स होल्डिंग है, जिसमें कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, बहुत ही एक अच्छा फंडामेंटली चीज है कोई भी शेयर खरीदने के लिए। अभी देखिए 2020 में इसका नेट सेल हुआ था 3261 करोड़, अभी वो गिर के थोड़ा सा इस साल हुआ है 3116 करोड़, थोड़ा सा गिरा जो मैंने पहले ही बताया था पेंडेमिक वजह, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट पिछले साल था नेट प्रॉफिट था माइनस में 27.16, अभी देखिए इसका जो इस ईयर देखिए 267 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, कितना अच्छा नेट प्रॉफिट है। रिजर्व देखिए पिछले साल था 822 करोड़, अभी वो बढ़ के हुआ है 1090 करोड़, बहुत ही अच्छा है। और ड्रोइंग देखिए पिछले साल था 20.58 करोड़ था, अभी वो घट के हुआ है 12.68 करोड़, ड्रोइंग जब घटता है तब अच्छा होता है। ठीक है, अभी देखिए इसका जो करेंट लाइबिलिटी है आपका इस साल का है 624 करोड़, ओके करेंट लाइबिलिटी 624 करोड़ है, और करेंट एसेट देखिए इसका है 1091 करोड़, मतलब करेंट लाइबिलिटी जो है देखिए करेंट लाइबिलिटी 624 करोड़ था, उससे लगभग डबल है। जब भी अगर करेंट लाइबिलिटी से करेंट एसेट डबल होता है तो हम लोग बहुत बढ़िया मानते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले साल था 58.16 करोड़, अभी देखिए इस साल हो गया 242 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिला है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो फंडामेंटली जितना भी देखा अभी तक का उसमें मुझे तो सभी पॉइंट अच्छा लगा फंडामेंटली, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार क्या करेंगे हम लोग टेक्निकल देख लेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। ये देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने खुल गया है, ये आपका 1 डे का चार्ट है, इसमें आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि देखिए एक फ्राइडे के दिन 1 डे के चार्ट में बहुत एक अच्छा कैंडल बनाया है इस शेयर ने। ठीक है, ये बिना इंडिकेटर वाला चार्ट है, बिना इंडिकेटर का चार्ट में क्या होता है, जब भी बिना इंडिकेटर वाला चार्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्लियर ट्रेंड कैसा है वो पता चलता है। अभी देखिए ये थोड़ा सा हम इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे, वीकली चार्ट भी देखिए 2-3 हफ्ते से ये शेयर बढ़ ही रहा है, अभी थोड़ा सा मंथली चार्ट भी देख लेंगे। मंथली चार्ट में देखिए 2 हफ्ते पहले इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन आया है, उसके बाद ये शेयर अभी बढ़ने लगा है। जब इंडिकेटर वाला चार्ट में जाएंगे तब आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, अभी सीधे हम लोग इंडिकेटर वाला चार्ट में चले जाते हैं। ये आपके सामने आ गया इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट, ठीक है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे 1 डे में ले लेंगे। ये देखिए 1 डे वाला चार्ट है, इसमें आपको क्लियरली दिख पा रहे हैं आप लोग,
देखिए पिछले दिन सुपर टेन ने इसको बाई बोला है डे चार्ट में, और पिछले दिन ये आपका 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, 100 डेज 200 मूविंग एवरेज पहले ही क्रॉस कर लिया था। आपका एमएसडी भी इसको बाई बोल रहा है और आपका आरएसआई देखिए 60 को टच कर गया, तो मेरे हिसाब से डे चार्ट में ये बाई है। अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, वीकली चार्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे। वीकली चार्ट में देखिए सुपर टेन ने इसको बाई बोला है, यहाँ पे देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज पे एक क्रॉस ओवर होने वाला है। अगर जब भी एक क्रॉस ओवर होता है, मैंने हमेशा बोला है कि शेयर ऊपर ही जाता है। और आरएसआई भी देखिए आपका अबाउट 60 है, लेकिन एनएसई भी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मंथली चार्ट में अगर पॉजिटिव शो करेगा तो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, तो सीधे हम लोग मंथली चार्ट में चले जाते हैं। ये देखिए मंथली चार्ट में बहुत दो तीन मतलब बहुत महीने एक दो तीन ऐसे बहुत महीने पहले ही आपका सुपर टेन ने इसको बाई बोला था, लेकिन तब ऐसे यार आपका 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया था। इस मंथ में इसने मूविंग 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया, आरएसआई भी अबाउट 60 और एमएसडी भी आपका ऊपर ही है, और दो महीने में आपका थोड़ा सा करेक्शन आया है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। तो मुझे जो लगता है कि इसी प्राइस में अगर आप लोग ये शेयर खरीदेंगे तो आप लोगों को आगे जाके 6 से 1 महीने के अंदर 3,500-600 का मिनिमम 3,400 का, तो आपको 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि अगर ऐसी हो गई। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक भी कर लीजिए, ताकि आगे मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक क्या करता है, मुझे एनर्जी देता है आगे ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।